हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ आकाश दीप बंकर, टाइम इन्वेस्टिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस के ऊपर आपके रिस्पॉन्स के लिए हमेशा की तरह हार्टली थैंक्स। एंड इस बार का वीडियो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को लेकर है। इस बार के की पॉइंट्स के साथ में भी हमेशा की तरह एक इम्पोर्टेंट डे है, उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड जिसे आप भी मतलब अगर लिखें या याद रखें, इसको रिवाइज रखें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूव होगा अपकमिंग एग्जाम्स में या फिर आपने कहीं पर भी देखो। आफ्टर LSCS ऑपरेशन पीडियाट्रिशियन की इम्पोर्टेंस एज अ डॉक्टर एंड ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्यों है, क्या है? अगर क्वेश्चन ये देखा जाए कि भाई क्वेश्चन है कि भाई डॉक्टर्स तो वहाँ पे खूब है, एंड आफ्टर ऑपरेशन ही क्यों? अगर आफ्टर ऑपरेशन के बाद में वहाँ पर डॉक्टर है भी तो किस लिए? तो इसका आंसर है, जब भी सीजेरियन सेक्शन ऑपरेशन होता है, देयर इज अ चांस फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, एंड ड्यू टू दैट फैक्टर, मतलब जो एयरवे है वो ब्लॉक एंड उसके अंदर सीक्रेशंस का एक्सुडेट होना एंड उसके थ्रू लाइफ रिससिटेशन की कंडीशंस, लाइफ थ्रेटनिंग जैसी कंडीशंस, मतलब रिससिटेट करने के टुवर्ड्स मतलब जितने भी इंटरवेंशंस किए जाने हैं, सो उनको इंटरवेन करने, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन की नीड होती है। इसलिए वहाँ पे पीडियाट्रिशियन का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप देखिए, वजाइनल डिलीवरी होती है या किसी भी तरह की डिलीवरी होती है, तो वहाँ पे मतलब इमीडिएटली डॉक्टर के पास में, मतलब पीडियाट्रिशियन के पास में ले जाने की नीड नहीं होती है, लेकिन लेटर ऑन वैक्सीनेशन के पर्पज से या जब भी डॉक्टर राउंड पर आते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर की नीड होती है, बट नॉट इन इमीडिएट पीरियड, टाइम पीरियड। ओके, बट सीजन सेक्शन में होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको विद इन मिनट्स, ठीक है, विद इन वन मिनट ऑफ लाइफ, ओके, आपको विद फाइव मिनट ऑफ लाइफ जिस टाइम अपगार स्कोर करना होता है, वहाँ पे हम अपगार स्कोर नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब उस टाइम पे एट दैट टाइम वी नीड अ पीडियाट्रिशियन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, तो ये था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको सबसे पहले डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ और क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट कॉमन फ्यूजन इन ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर, मतलब जब भी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उनके अंदर पायोपेगस, क्रेनियोपेगस, ओके, एंड थोरेकोपेगस एट्सेट्रा एट्सेट्रा फ्यूजन देखने को मिलते हैं, तो उनमें मोस्ट कॉमन फ्यूजन कौन सा होता है? सो फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट कॉमन फ्यूजन अगर ट्विंस प्रेगनेंसी में पूछा जाए तो वो होता है थोरेकोपेगस, यानी चेस्ट टू चेस्ट दो ट्विंस आपस में कंजॉइंट होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ओके, उनको फिर लेटर ऑन सर्जरी के थ्रू सेपरेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रेस बायोपिया मतलब ऐसे, मतलब एजेड मतलब कंडीशंस के अंदर, यानी लेटर ऑन डिकेड्स ऑफ लाइफ के अंदर ये होने वाली आई की प्रॉब्लम है, विजन प्रॉब्लम है, जिसमें हमारी नियर एंड फार दोनों तरह की विजन्स इम्पेयर्ड हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है, हमें देखना प्रॉपरली नहीं हो पाता है। सो उस कंडीशन में, टू ट्रीट दैट कंडीशन, हमें उस कंडीशन में मतलब लेंस की ज़रूरत होती है, और वो लेंस होते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, बोथ दोनों तरह के लेंस यूज में लिए जा सकते हैं करेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ, आफ्टर फ्रैक्चर फैट एम्बोलिज्म विद इन हाउ मच आवर अकर्स? ओके, तो कहीं पे इसकी रेंज दी हुई 24 to 72 आवर्स, कहीं पे आपको देखने को मिलेगी 48 to 72 आवर्स, कहीं पे एग्जैक्ट 48 आवर्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि अगर आपको स्टैंडर्ड गाइड्स की बात करें तो वो कहते हैं विद इन 48 to 72 आवर्स फैट एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं आफ्टर फ्रैक्चर। बट अगर बात कर ले, अभी ऑप्शन के अंदर आपके क्वेश्चन में आ जाए 48 आवर्स भी 72 आवर्स में, उस कंडीशन में आप प्रायोरिटी देंगे 48 आवर्स को। ओके, 48 आवर्स से 72 आवर्स अगर रेंज के अंदर मतलब वहाँ पे आ जाए तो ये आपको रेंज चूज करनी, बट अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो 48 आवर्स। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। ओके फ्रेंड्स, तो नियर साइटेडनेस की कंडीशन जिसके अंदर हम नियर बाई की विजन तो है, क्लोजली हम देख सकते हैं, लेकिन फार मतलब डिस्टेंस की जो विजन है उसको क्लियरली नहीं दे सकते, ठीक
ठीक है। और इसके लिए ये है कि ये टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, इट टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, मतलब ये आगे ना आगे से आगे वंशानुगत होने के इसके चांसेस रहते हैं, एक फैक्टर है। ठीक है, मतलब ऐसा एविडेंस नहीं है, बट मतलब ऐसे चीज यहाँ पे देखने मिलती है इन केसेस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसका करेक्शन करने के लिए लेंस यूज में लिया जाता है, कॉन्केव लेंस। ओके, एंड हाइपर शॉर्ट साइटेडनेस को, मतलब क्लोज सनमर साइटेडनेस को हम यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं एंड मायोपिया भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फार साइटेडनेस। ओके, जिसे हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, हाइपर ओपिया भी कहते हैं एंड हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अल्टरनेट नेम्स याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टरनेट नेम्स अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं एंड अल्टरनेट नेम्स के बेस पे हमसे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और उस कंडीशन में कन्फ्यूजन होता है कि हमने पढ़ा तो कुछ और, लेकिन इसका अल्टरनेट नाम ना याद ना होने की वजह से हम वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाइपर मेट्रोपिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस की कंडीशन में भी ये फ्रेंड्स कि हमें फार डिस्टेंट की विजन तो क्लियरली दिखाई देती है, बट नियर बाई की विजन देखने के लिए हमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसे करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेते हैं। ठीक है, एंड ये मोस्टली एडल्ट्स के अंदर होने वाली प्रॉब्लम है, कौन सी, फार साइटेडनेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये की पॉइंट हुआ, इसका करेक्शन हम किससे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने क्लियरली देखा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो एक क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, ठीक है, GMCH एंड PGH चंडीगढ़ के एग्जाम्स के अंदर भी, और इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA होते हैं, मतलब DNA के दो स्ट्रैंड्स आपस में बंधे होते हैं, वो कौन सी फोर्स के थ्रू बंधे होते हैं या कौन से बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं, तो उसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरीके से सेट होते हैं कि वो DNA के दो स्ट्रैंड्स को बांध कर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ, तो मतलब मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस जो होते हैं, मतलब जब होते हैं ENT के अंदर, ईयर नोज एंड थ्रोट के अंदर, तो वो कौन से पार्ट्स होते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, मिडल ईयर से, ट्यूनिका, मतलब यहाँ पे लिम्फेटिक यूटेसल्स की तरफ से या यूस्टेकियन ट्यूब की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मोस्टली जो रूट होता है ENT इन्फेक्शन के अंदर, वो होता है यूस्टेकियन ट्यूब। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक की पॉइंट ये यहाँ पे बनता है कि पेशेंट, मतलब ठीक है, OT से रिसीव हुआ, OT से रिसीव होते ही उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले जो मतलब ध्यान में रखा जाने वाला मतलब आउटपुट वगैरह के हिसाब से देखे या फिर मतलब कॉन्शियसनेस के हिसाब से देखे, जो चीज़ वहाँ पे हमें मेंटेन करने होते वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करिए कि पेशेंट की पोजीशन एंड पेशेंट का एयरवे क्लियर है कि नहीं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू प्रोसीड फॉर अदर चेकिंग लाइक ट्रेंस, ठीक है, यूरिन आउटपुट बैग्स, ये सब चीज़ें सिस्टम वाइज सिस्टम कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप पोजीशन एंड एयर वे मेंटेन करिए। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कोई भी प्रोसीजर हो, ठीक है, या फिर कभी भी किसी भी तरह का आप केस हैंडल करें, तो सबसे पहले आप पेशेंट की पोजीशन इंश्योर करना ना भूले, क्योंकि पोजीशन इंश्योर करने से या पोजीशन प्रॉपरली मेंटेन होने से आप लेटर ऑन होने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशन या लेटर होने वाले जितने भी प्रोसीजर्स है उनको प्रॉपरली कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं एंड इंटरवेंशन को प्रॉपरली कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम बात करें कि अगर कहीं पर कोई ड्रेन अटैच है, तो वो प्रॉपरली ड्रेन आउट होने के अंदर प्रॉपर पोजीशन से, ग्रेविटेशन के लेवल से नीचे में रखना ज़रूरी होता है। ये प्रॉपरली पोजीशन रख कर ही हम कर सकते हैं। कई कई कंडीशंस में होता है कि पोजीशन अगर हम मेंटेन नहीं कर पाते या ड्रेन बैग्स होते हैं अबोव द पेशेंट्स लेवल, साइडरल्स होते हैं उनके ऊपर, अगर कभी पेशेंट के रिलेटिव्स या हमारे बाई एक्सीडेंटली हमसे अगर टंग जाए या फिर हम वहाँ पे मतलब हैंग आउट कर दे, तो फिर उस कंडीशन के अंदर वो जो ड्रेनेज है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे पोजीशन की इम्पोर्टेंस बताती है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। अब आज के इम्पोर्टेंट डेज की बात जो मैं कर रहा था, आज है वर्ल्ड ड्रग अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग डे, यानी एंटी ड्रग ड्रग अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग डे, मतलब UN असेंबली के एक बार इसके अगेंस्ट मतलब एक कैंपेन चलाने के पर्पज से इस डे की एस्टेब्लिशमेंट की थी 26 जून को। ओके, एंड 26 जून को इस डे की एस्टेब्लिशमेंट के पीछे रीज़न ये था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब जितने भी मतलब ड्रग अब्यूज़ के केसेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम आम भाषा में ड्रग्स कहते हैं,
तो वो ड्रग्स क्या है? वो ड्रग्स यही है फ्रेंड्स कि जितने भी यंगस्टर्स होते हैं या किसी भी एज ग्रुप की बात कर लीजिए, ठीक है, मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब ईयर 1987 जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 26 जून 1987 से, तब से ही मतलब इसके टुवार्ड्स अवेयरनेस की कैंपेन चलाने की, मतलब इसके टुवार्ड्स अपने एक इम्पैक्ट डालने की यूएनओ ने कोशिश की हो। उससे प्रीवियसली भी ड्रग्स के तो अब्यूज़ कहीं पर भी देखने को मिलते ही रहे, लेकिन इस बात को उस मतलब कैंपेन के चलाने के बाद से मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिला कि आज कहीं पर भी हो, जिसे हम नारकोटिक्स कहते हैं, ठीक है, जिसे हम मतलब क्या कहते हैं ना, सेडेटिव ड्रग्स कहते हैं, जिनको मतलब एक मेडिसिन पर्पस के अलावा अदर देन मेडिसिनल यूज़ अगर हम बात करें तो वहाँ पे इनका एक मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है, मतलब किसी की भी मतलब कंडीशन को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में डालने के पर्पस से, या खुद की ही कंडीशन को सुसाइडल टेंडेंसी के तौर पे, या फिर एक नशा एडिक्शन के तौर पर लेने के पर्पस से, तो ये कंडीशन आज की कंडीशन बहुत ही सीवियर फॉर्म में है, और इस कंडीशन के बदौलत हर नेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और मोस्टली ये जो अफेक्ट कर रहा है यंगस्टर्स को कर रहा है, ठीक है, सुसाइडल केसेस के अंदर। सो उन सबको रोकना, उन सबको अवेयर कराना, ड्रग्स के अब्यूज़ को रोकना, उनकी ट्रैफिकिंग को रोकना, इस डे की एक इम्पोर्टेंस को बताता है, एंड हमारी भी ये ड्यूटी बनती है, मतलब ना सिर्फ एक नर्सिंग स्टाफ के तौर पे, मतलब एक सिविलियन के तौर पे भी, अगर आप देखें कि आउटसाइड मतलब जितने भी मतलब आपके सराउंडिंग एरिया के अंदर या फिर जहाँ पर भी आपको ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है, तो आप उसके टुवर्ड्स कहीं ना कहीं मतलब एक अवेयरनेस लाने एंड उसको रोकने के लिए अपना एक रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और आज का एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, एंड आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट डे को लेकर जो मतलब क्वेश्चंस या डेज का इवेंट्स का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा मैं शेयर करता रहूँगा। एंड फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।